समता स्वतंत्रता। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऐसे राष्ट्र का निर्माण। ओके, हाँ मैं सर को सासिकार बनाना चाहती हूँ। सर को सासिकार जी, हम श्रमणी कल अमृतसर पूरे से तुम्हारे पास आए हैं। जो दुख भरी बात सुन के जो हमने देखा है, तुम भी अरे रहते हैं, हम अरे रहते हैं, जो वहाँ महाराष्ट्र में जो गलतियाँ पर यह बात बनी है, उनके चार बंदियों को उन्होंने मारा है जान से, तो उनकी सौ गड्डी पर आग लगाई है। तुम हम सारे लोग जानते हैं, हम भारतीय लोग हैं, तो हमारा पंजाब है, हमारा सूबा पंजाब है, सारे लोगों का भारतीय देश है। तो वहाँ जो भारत के लोग पर, अभी तो मैं 6 महीने की बात करूँगी, पहले तो बहुत बातें हुई हैं। जो रतिया पड़ता है हरियाणा में हसार, उसमें जो मुसलमान भाई थी गए, ऊना से जबरदस्ती इन्हें लोग हिंदुओं ने बोला है जय माता की बोलो, और लोग से इतनी मार मार करके हरियाणा में ऊना को जय माता की कहाई बोलो, जय माता की बोलो, अपने धर्म में तुम जय माता बोल सक रहे हो, तुम्हारा तो सलाम है, हमारा गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहब है, तुम्हारा कुरान है। हिंदुओं की हम बात नहीं कर रहे, हिंदू लोग हमारे को कितना जलील करते हैं, दलितियां भाइयों को, जितने हम 85% मूल निवासी हैं, उनका उन्होंने भारत में इतना बुरा हाल करा है। तुम लोग जहाँ जहाँ भी रहते हो, अपनी बहुत खुशी से रह रहे हो, जो भारत में इतना हाल मूल निवासियों का हो रहा है, ना वहाँ मुसलमान बख्शे जा रहे हैं, ना दलित भाई बख्शे जा रहे हैं, ना और कौमा बख्शे रहे, ना सिखों को बख्श रहे हैं। जो ब्राह्मण लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, आरआरएस है, बीजेपी है, हम तो बहुत दुखी हो गए हैं। हम तो तुम्हारे पास कहाँ आए हैं भैया, मेरे भाई, आप भाई जान, हम तो मैसेज देने आए हैं। डरने की कोई बात नहीं, ना हम डरते हैं, ना किसी को डराते हैं, हम ना हक लेते लेना चाहते हैं। जो जहाँ जहाँ वो लोग रहते हैं, ये लोग उन पर बुरा हाल करते हैं, उनके लड़कियों को नंगे करके गाँव में फेरते हैं, उनके नाल बुरा काम करते हैं, ये अच्छी बात ना है। तो मैं कहना चाहती हूँ, सब सचेत हो जाओ, हम लोग तुम लोग अपने अपने धर्म में रह के पर इकट्ठे होकर ये भारत अपना हमने याद कराना है। तो पंजाब सूबा सिखा को है, तो भारतीय वाले मूल निवासियों का सबका जो गोल दस्ता है, जो कि सबका जो देश है, सबका हक बनता अपने अपने धर्म में रह के अपने धर्म को पक्के रखना, ना किसी के धर्म के ऊपर उंगली उठानी, ना किसी को तंग करना। ये किसी भी कहा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो ये बात जो मेरी किसी को बुरी लगे तो मेरे को कोई अच्छा नहीं है, तो लगी तो लगी जाए। बात ये है, हमारी पार्टी के जो प्रधान जर्नैल है, पहले हमारी पार्टी के जर्नैल हुए थी संत जर्नैल सिंह 20वीं सदी के सुर में, से दुए एस टाइम है प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर सरदार सिमरनजीत सिंह मान, जिनके हम शिकिर्द हूँ। तो अपनी जान तली पर रखा, दुए की मदद करना चाहते हूँ। हम तुम्हारे पास आस लेकर आए हो, जो मूल निवासियों के पास जो बात हुई है, तो आपको सब लोग इकट्ठे होकर उनकी मदद करके हम अपना भारत देश छुड़ाना है। जहाँ से लोग ब्राह्मणवाद आए, बीजेपी आरएस आई है, सबको दुखी करती है, इनको निकाल के जहाँ से वहाँ से फेंको। तो अपना देश आप हमनु चाहिए है, हम तुम्हारे पास भाइयों इस बात से आई हूँ काट करने के लिए, जो मेरा फर्ज बनता है कौमी। तो मैं सब से कहूँगी, अपने धर्म पर रह के अपना धर्म काम जाम रखिए, अपनी जिया बहने की इज्जत आप सामिए। तो बात ये है कि जो दुआ आदमी मारे पर जो हाथ चकदा है, जो मारिया धिया बहने को नंगे करके मूल निवासी क्या क्यों नंगे फेरता हूँ, हम भी तो तुम्हारे साथ मूल निवासी शूद्री हूँ, हम कहते हो भी हम बखरे हो। मनुखी दिखारा से परमात्मा ने सबको मनुख बनाकर तोड़ा है, सबका जो भी मूल है, परमात्मा हमारी माँ है, गौ हमारी माँ नहीं है, जिसको हम माँ मानते हैं, जो हमारी माँ नहीं है गौ, ठीक है ना, हमारा परमात्मा हमारी माँ है, जो उस माँ ने हमारे को जन्म दिया हमारी माँ है। आप कृपा करके अपनी अपनी जो भाषा है, जहाँ से रहने के बोलते हो तुम, वो अपनी बोली कभी ना छोड़ो, अपने देश की रक्षा करने लिए हमारे को कामयाबी होनी चाहिए। सबका धन्यवाद करती हूँ, किसी को
बुरा लगा मैं माफी चाहती हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा मैं सत श्री अकाल जी सबे करो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान समता स्वतंत्रता सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऐसे राष्ट्र का निर्माण।